नमस्कार, मैं अर्चना और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स। होली के रंग हंगामा टाइम्स के संग के कड़ी में हमारे साथ में आज हैं सिवांस मेडिकल सेंटर के ओनर डॉक्टर सुनील कुमार शुक्ला जी। इस होली में क्या वो विशेष कर रहे हैं और किस तरीके से देशवासियों को शुभकामनाएं देंगे, आइए चलते हैं उनसे बात करते हैं कि इस होली पे क्या वो विशेष कर रहे हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर हमारे हंगामा टाइम न्यूज़ चैनल में। आपको भी बहुत बहुत बधाई हो और स्वागत है आपका। हम होली पर पहली बार तो जितने भी क्षेत्रवासी हैं, जितने प्रदेशवासी हैं और हमारे भारतवासी, सबको मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं तहे दिल से। होली की ढेर सारी शुभकामनाएं मेरी तरफ से, और अच्छे से वो रंग खेलें, खुशियां मनाएं, लेकिन आंखें और स्किन को गलत तरीके से रंग न लगा करके होली मनाएं। बहुत से लोग पेंट लगाते हैं, बहुत से लोग कीचड़ लगाते हैं, इस तरह का अभद्र व्यवहार नहीं होना चाहिए। इसको कृपया रोकें, गुलाल से होली खेलें, पानी से अनेसेसरी न भिगाएं, क्योंकि आजकल कोरोना का प्रकोप है, वायरल चल रहा है, लोगों को परेशानी होगी। धन्यवाद। तो आपको क्या लगता है, जिससे कि कोरोना वायरस बढ़ रहा है दिन प्रतिदिन, तो होली जो हमारा महापर्व है तो इस पर कितना असर पड़ेगा? देखिए, होली पर इसका प्रभाव इसलिए पड़ेगा क्योंकि लोग मास्क नहीं लगाएंगे, सोशल डिस्टेंसिंग नहीं करेंगे, एक दूसरे को गले लगाएंगे और एक गैदरिंग बढ़ेगी, लोग आपस में बहुत ज़्यादा मिक्सअप होंगे, जिसका कि कोरोना फैलने का बहुत डर रहेगा। पानी से भीगेंगे तो एक तरह से वायरल जो है वो भी फैलेगा, और वायरल राइनाइटिस, बहुत सारी बीमारियां हैं, छींकें, खांसी, जुकाम, लेकिन अगर ये सब चीज़ें नहीं करेंगे तो कोरोना को फैलाने में वो मददगार होंगे। इसलिए गुलाल से दूर से रंग लगाएं और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, मास्क लगाएं और अपने हाथों को साफ रखें। तो जिससे कि डॉक्टर साहब ने बताया कि हमारा जो होली महापर्व आ रहा है तो उस पर असर ना पड़े, तो इसलिए हमें सुरक्षा के साथ होली खेलनी। एक सवाल हम आपसे और करेंगे कि जिस तरीके से आप देख रहे हैं दिन प्रतिदिन कोरोना वायरस दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है, तो हमारे लखनऊ का क्या हाल है? हमारे लखनऊ में कुछ जगह ऐसी हैं जहाँ पे कोरोना वायरस ज़्यादा बढ़ रहा है, जिसमें हमारे बहुत ही निकट है इंदिरा नगर, राजाजीपुरम, गोमती नगर, ये एरिया थोड़ा सा कोरोना के लिए पॉजिटिव ज़्यादा हो रहा है और यहाँ पर लोग अभी भी चेते नहीं हैं, जागरूक नहीं हो रहे हैं, इसलिए लखनऊ में कोरोना बढ़ रहा है। अभी भी करीब 150 से ऊपर केसेस हैं जो भर्ती हैं, और इसको रोकथाम करने का केवल वही उपाय है जो गवर्नमेंट भी बार बार बताती है, सारे डॉक्टर बार बार बताते हैं, हाथ धोइए, सैनिटाइज करिए, मास्क लगाइए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करिए। लखनऊ में कोरोना बढ़ रहा है। तो जो बढ़ रहा है तो उसके क्या कारण है, लोगों की लापरवाही? बिल्कुल, लोग जागरूक होते हुए भी, जानते हुए भी मास्क नहीं लगाते, लोग जानते हुए भी हाथ मिलाते हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करते। आप कभी देखिए, शाम और सुबह इतनी ज़्यादा जनसंख्या सड़क पर होती है, लोग चलना मुश्किल हो जाता है, लोग रेंगते हैं, इतना ज़्यादा जाम लगता है। बाज़ारों में देखिए, बाज़ार भी किसी तरह से लोगों की संख्या कम नहीं हो रही है। इतना नहीं है कि जब बहुत ज़रूरत हो कोई चीज़ की तभी उन्हें बाहर जाना चाहिए, अगर ज़रूरत नहीं है तो अननेसेसरी बाहर ना निकलें और ना कि बच्चों को निकलने दें, ये हमारी राय है। तो सर हम आपसे एक सवाल और करेंगे कि इस होली पे आप सभी देशवासियों को क्या संदेश देना चाहें कि किस तरीके से होली का महापर्व मनाएं? हम सभी देशवासियों से, अपने क्षेत्रवासियों से यही कहेंगे कि गुलाल से होली मनाएं, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग के साथ, अपना मास्क पहनिए और रंग लगाइए, लेकिन गुलाल से खेलिए, पानी का उपयोग न करें, हाथ न मिलाएं, गले न मिलें, थोड़ा डिस्टेंस का पालन रखिए और अपने हाथों को सैनिटाइज करते रहिए। नमस्कार सबसे बढ़िया प्रक्रिया है और उसी का पालन करिए, बाकी जो गवर्नमेंट और जो डॉक्टर्स बताते हैं उन नियमों का पालन रखिए। तो सर ये तो आपका सिवांस मेडिकल सेंटर है, इसके अलावा और कहाँ पर अन्य ब्रांचें हैं आपकी? सिवांस मेडिकल सेंटर मेरा रिंग रोड खुर्रम नगर लखनऊ में है, और ये मैं 20 सालों से यहाँ पे कार्यरत हूँ।
बच्चों को मैं स्पेशली देखता हूं, लेकिन इसके साथ साथ बड़े भी मेरे द्वारा देखे जाते हैं। मैं उन्हें इमरजेंसीज की हैं, अपोलो मेडिकल कॉलेज से मैंने इमरजेंसी का डिप्लोमा लिया हुआ है, और इसके अलावा मेरे महमूदाबाद सीतापुर में माँ संकटा देवी मेडिकल सेंटर के नाम से एक और सेंटर है जहाँ मैं सेवाएँ देता हूँ। इसके अलावा और दो तीन जगह पर मैं जाता हूँ, लेकिन जो मेन मेरे दो सेंटर हैं वो एक सिवांस मेडिकल सेंटर रिंग रोड क्रॉसिंग खुर्रम नगर, और दूसरा सीतापुर में महमूदाबाद माँ संकटा देवी मेडिकल सेंटर है। यानी कि सर के दो मेडिकल सेंटर चलते हैं जिसपे लोग जा करके इसका लाभ भी उठा सकते हैं। तो ये थे हमारे साथ में डॉक्टर सुनील कुमार शुक्ला, जिनकी विचारधारा आपने सुनी। अब उनकी मिसेस ऋचा शुक्ला जी भी हमारे बीच में जुड़ रही हैं। पहले हम उनके जीवन के बारे में उनसे जानते हैं कि वो क्या कार्य करती हैं। मैम आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे हंगामा टाइम न्यूज चैनल में। थैंक यू सो मच। बेसिकली मेरा रीडिंग राइटिंग और मैं हिंदी एडिटर भी हूँ एक पब्लिशिंग हाउस में, और उसके अलावा मैं अपने बच्चों की देखभाल, उनको पढ़ाई में सहायता और अपने हस्बैंड को भी काफ़ी हेल्प करती हूँ मैनेजमेंट में। जो आपका शिवांश मेडिकल सेंटर है तो इसमें आपका क्या क्या दायित्व है यहाँ पे? मेरा दायित्व मेनली मैनेजमेंट का है, जैसे सारे स्टाफ को देखना है सब लोग प्रॉपरली काम कर रहे हैं या नहीं, या और जहाँ भी डॉक्टर साहब जाते हैं वहाँ की क्या व्यवस्था है, कौन आ रहा है, कितना स्टाफ की कमी पड़ रही है और क्या मेडिसिन सप्लाई हो रही है, ये सब मैं ही देखती हूँ। जिस तरीके से आपने बताया कि आप एक लेखिका भी हैं, तो समाज के किन मुद्दों पे अभी तक आपने लिखा हुआ है? देखिए, लिखना तो मैंने अभी जल्दी आरंभ किया है क्योंकि मैं बच्चों की पढ़ाई में व्यस्त थी अभी तक। अब थोड़ा समय मिला है तो मैंने सोचा कि मैं अपने लिए भी कुछ करूँ, और जो भी सामाजिक मुद्दे होते हैं हमारे रोज़मर्रा के जीवन में, जैसे स्त्रियों पर अत्याचार है, उनको दबाना है, और करोना वायरस है, जहाँ पे भी कुछ भी ऐसा लगता है कि हम लोगों को लिखना चाहिए औरतों को, तो उसके लिए मैं ज़रूर लिखती हूँ। तो जिस तरीके से वैक्सीन आ गई है, वैक्सीन आने के बाद भी कोरोना वायरस थम नहीं रहा है, दिन प्रतिदिन इसकी संख्या बढ़ रही है, तो लोगों से क्या कहना चाहेंगे? मैं लोगों से यही कहना चाहती हूँ कि वैक्सीन तो आ गई है, वो हमारे लिए एक अचूक हथियार है, लेकिन साथ साथ हमको जो सोशल डिस्टेंसिंग है उसका पालन करना चाहिए, मास्क लगाने चाहिए, हमको ढिलाई नहीं देनी चाहिए। जैसे अभी थोड़ी बीच में कम हो गया था सेकेंड वेव से पहले, तो लोगों ने लापरवाही बरतनी शुरू कर दी, गैदरिंग्स हो रही हैं, बर्थडे पार्टीज़ हो रही हैं, शादियां हो रही हैं, और पॉलिटिकल पार्टीज़ भी अपने इलेक्शन की रैली कर रही हैं, तो उन सब पे क्या होगा, बढ़ेगा ही, आप ऐसे कंट्रोल नहीं कर सकते। आप वैक्सीन भी लगवाइए और उसके साथ साथ ये सब भी आपको जागरूक होना पड़ेगा। जो लोग नहीं मानते हैं उनको आपको बताना पड़ेगा स्पेशली कि अभी खतरा टला नहीं है और अभी हम एक लड़ाई लड़ रहे हैं जो हम आगे जाके जीत सकते हैं और ज़रूर जीतेंगे। जैसे इस कोरोना महामारी में सबसे ज़्यादा जो बड़ी जंग जीती वो डॉक्टरों ने जीती, और डॉक्टर ही आगे फ्रंट पे आकर के उन्होंने मरीजों का इलाज करा, तो आप भी कहीं ना कहीं एक डॉक्टर की धर्मपत्नी हैं, तो ऐसे माहौल में जब आपके पति सुरक्षित रहेंगे तभी आपका जीवन भी सुरक्षित है। तो जिस तरीके से दिन प्रतिदिन कोरोना वायरस बढ़ रहा है और लोग लापरवाही कर रहे हैं और होली महापर्व आ रहा है, तो इस पर लोगों से क्या संदेश देना चाहेंगी? देखिए, एक ये तो आपने बिल्कुल कहा है कि डॉक्टर्स के ऊपर तो सबसे ज़्यादा खतरा मंडराता है क्योंकि वही ज़्यादा पेशेंट के डायरेक्ट कांटेक्ट में होते हैं, और जब डॉक्टर कांटेक्ट में होगा तो जाहिर सी बात है उनका परिवार भी असुरक्षित ही है। तो मैं लोगों से यही अपील करना चाहती हूँ कि आप पर्व मनाइए, पर्व का मतलब है खुशियाँ मनाइए, लेकिन एक लिमिट में, जो आज का माहौल है उसके मद्देनज़र हमको मनाना चाहिए। पहले जैसा माहौल तो नहीं है कि हम कहीं भी जो है कॉलोनीज में इकट्ठा हो रहे हैं, गैदरिंग्स कर रहे हैं, और हमको जो क्योंकि पैनेडेमिक है तो उसके जो नॉर्म्स फॉलो करे जा रहे हैं, जो मोदी सरकार या आप सब लोग कह रहे हैं, तो उसको तो फॉलो करना ही चाहिए। उसके साथ साथ हमको जो है पर्व मनाने चाहिए। होली का उद्देश्य यही है कि आपस में भाईचारा बना रहे और सब लोगों के जीवन में रंग भरा रहे, तो उस रंग को कायम करने के लिए आपको थोड़ा तो कंट्रोल अपने आप को करना पड़ेगा। हमने देखा लास्ट ईयर कैसे लोग हमारे अपने बिछड़ गए, लोगों के परिवारों में डेथ हो गई कोरोना वायरस से, कितने हमने पूरी दुनिया में लोगों को खोया है। तो अगर हम इस सब को रोकना चाहते हैं तो जाहिर सी बात है हमको अपना थोड़ा तो कंट्रोल करना पड़ेगा। फिर चाहे होली आए, ईद आए या दीपावली आए, कुछ तो हमको अपने आप को रोकना पड़ेगा। तो मैम चलते चलते आपसे आखिरी सवाल करना चाहेंगे, इस होली महापर्व पर आप सभी देशवासियों को क्या शुभकामनाएं देना चाहेंगी?
मैं रुचा शुक्ला शिवांश मेडिकल सेंटर की तरफ से आप सबको बहुत बहुत होली की शुभकामनाएं देती हूँ। आप सबका त्यौहार हर्ष और उल्लास के साथ मनाएं और मेरी यही कामना है कि ये त्यौहार सबके जीवन में रंग भर दे, खुशियां भर दे और साथ साथ हम लोग को थोड़ा सा डिस्टेंस बना के रखें, मास्क लगाएं और सैनिटाइज करते रहें। धन्यवाद। तो जिस तरीके से मैम की आपने विचारधारा सुनी कि हम ना पर्व मनाएं लेकिन साथ में सुरक्षित रहें और अपने परिवार को भी सुरक्षा के दायरे में रखें, तो अभी फिर से हम सुनील कुमार शुक्ला जी से बात करेंगे क्योंकि हाल ही में उन्होंने वैक्सीन लगवाई है, तो उसके बारे में वो क्या कहेंगे? देखिए, जो वैक्सीन आई है मैंने भी लगवाई है और हम सभी को लगवानी चाहिए, आपको भी लगवानी चाहिए, क्योंकि वैक्सीन ही बचाव है। और सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क और सैनिटाइजेशन, इसके अलावा हाथ धोते रहिए, ये भी एक बचाव है। लेकिन वैक्सीन ज़रूर लगवाइए। हमारे देश में अभी भी वैक्सीन लगने की संख्या बहुत कम है, जिसकी वजह से हर्ड इम्यूनिटी डेवलप नहीं हो पा रही है और कोरोना फैल रहा है। इसलिए वैक्सीन बहुत सुरक्षित है, सभी को लगानी चाहिए और सभी को प्रमोट करना चाहिए कि वो लगवाएं और सभी लोग लगाएं, बहुत ज़रूरी है। वैक्सीन लगाएंगे और जब सब जन जन में वैक्सीन लग जाएगी तब जा कर के कोरोना रुकेगा, क्योंकि जब तक हमारे देश में इम्यूनिटी नहीं डेवलप होगी तब तक नहीं काम चलेगा। अभी भी वैक्सीन की संख्या, क्योंकि अभी इससे पहले डॉक्टरों को लगता रहा, पैरामेडिकल को लगता रहा, अब जा कर के गवर्नमेंट ने 45 साल से ऊपर के लगाना शुरू किया है, लेकिन उनकी संख्या बहुत कम है। जब तक ये बहुत ज़्यादा लोगों में नहीं लगेगा, कम से कम 60-70% जब तक नहीं लगेगा तब तक कोरोना रुकने का नाम नहीं लेगा। और कोरोना रुकेगा तभी जब आप सोशल डिस्टेंसिंग करेंगे, वैक्सीन लगवाएंगे, हाथ साफ रखेंगे, मास्क का उपयोग करेंगे। तो ये थे हमारे साथ में डॉक्टर सुनील कुमार शुक्ला जी, जिनकी विचारधारा आपने सुनी कि किस तरीके से वो देश के सभी लोगों को जागरूक कर रहे हैं। होली रंगों का त्यौहार, खुशी और उल्लास का त्यौहार, तो इसको खुशी और उल्लास के साथ मनाइए। जरूरी नहीं कि आप गैदरिंग करिए और लोगों से मिलिए, आप अपने घर में सुरक्षा के साथ सुरक्षित रह करके इस त्यौहार को मनाइए। इसी के साथ मैं अर्चना आपसे इजाजत लेना चाहूँगी। धन्यवाद।